हेलो एवरीवन, आई एम निधि ढिल्लन फ्रॉम 9th स्पार्क क्लास एंड टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट अ हिंदी ग्रामर टॉपिक विच इज़ वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। प्रकृति बहुत सुंदर है, राम खाना खाता है, सीता पढ़ती है आदि वाक्य के उदाहरण हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और जो बात की जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे सीता पढ़ती है, इस वाक्य में सीता उद्देश्य है और पढ़ती है विधेय। उसी तरह राम खाना खाता है, इस वाक्य में राम उद्देश्य है, खाना खाता है विधेय। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे मैं कल दिल्ली गया था। सेकेंड, निषेधवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कार्य के ना होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे आज मैं नहीं पढ़ूंगी। थर्ड, प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किए जाते हैं अर्थात किसी से कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे तुम कब पढ़ोगी। फोर्थ, विस्मयादिवाचक, जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त हो उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है। फिफ्थ, आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यहाँ से चले जाओ। सिक्स्थ, इच्छावाचक, जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशंका और आशीर्वाद का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जैसे भगवान करे सब भला हो। सेवन्थ, संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्य में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे सोनू का घर उधर है। एट्थ, संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे शायद आज बारिश होगी। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, पहला सरल, दूसरा संयुक्त और तीसरा मिश्र। सरल वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में एक से अधिक वाक्य होते हैं और सभी वाक्य योजक शब्द से जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे राम स्कूल गया और लौट आया। थर्ड, मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में एक ही मुख्य वाक्य हो और सभी वाक्य उस पर आश्रित हों, जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। थैंक यू।